क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ग्रेटिंग सिस्टम में सोडियम द्वितीयक रेखा है, फाइव एट नाइन जीरो एंगस्ट्रॉम तथा फाइव एट नाइन सिक्स एंगस्ट्रॉम स्पेक्ट्रम के तृतीय क्रम में अभिलंब से 30 अंश पर देखी जाती हैं तथा टी विभेदित होती है ग्रेटिंग अंतराल तथा रेखा कित भाग की कुल चौड़ाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे रखा है। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले अभिलंबत आपतन के लिए ग्रेटिंग समीकरण ज्ञात करना का फॉर्मूला लिखें, पहले अभिलंबत आपतन लिए ग्रेटिंग समीकरण ई प्लस के डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। थीटा बराबर 30 दे रखा है, एन बराबर 3 दे रखा है, तृतीय के लिए कहा है, और लैम्डा का जो माध्य दे रखा है 5890 प्लस के 5896 अपॉन 2 ये निकला है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला हम रखेंगे तो ई प्लस के डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा था, ई प्लस के डी इक्वल टू हो जाएगा एन डी अपॉन साइन थीटा एन लैम्डा
तो 3n की वैल्यू लेमडा की वैल्यू हो रही है 5893 अपॉन साइन 30, तो वो 3 × 5893 लेमडा साइन 30 की वैल्यू 1.2, तो 2 पर आ गई। इसको सॉल्व किया तो जाएगा 3 × 5 8 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब हमें तो रेखांकित पृष्ठ की कुल चौड़ाई निकालनी थी, तो माना तृतीय क्रम में द्वितीयक के विभेदन के लिए आवश्यक अंकित